हेलो फ्रेंड, टीवी के टॉप सीरियल अनुपमा की कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में बड़ा लीप आने वाला है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात अनुज से होती है। दोनों एक ही बाजार में शॉपिंग के लिए आए होते हैं। अनुपमा सवाल करती है कि जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी कर दीजिए। अनुज को माया का ख्याल परेशान करने लगता है, वो नहीं बताता और अनुज को शाह हाउस छोड़ने की बात करता है, लेकिन अनुपमा जाने से मना कर देती है। तो वही फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी लोग शाह हाउस में संगीत की तैयारी में लगे हैं। तभी डिंपल वहां आ जाती है और बार डिंपल को देखकर भड़क जाती हैं। वो कहती हैं कि फंक्शन शाम को है, इस वक्त क्या करने आई है। डिंपल पार्लर का बहाना बनाती है और कहती है कि आप सब लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, अनुज सर से कह देते वो सब देख लेते, शाम तक तो आप लोग थक जाएंगे। बा कहती है कि ये शाह हाउस है, कपाड़िया मेंशन नहीं है, और दूसरी बात, अनुज तेरा सगा पिता नहीं है तो यहाँ इतना धौंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, ये सब हम अपनी खुशी से करते हैं। डिंपल बा से बदसलूकी करती है और कहती है कि इसमें बम की तरह फटने की क्या बात है। तभी समर आ जाता है और सभी लोग अपनी बात बदल देते हैं। डिंपल समर से कहती है कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन छोड़ने वाली बात नहीं। लेकिन समर कहता है कि शादी में अभी समय है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। डिंपल चुप रहती है और मन ही मन सोचती है कि शादी के बाद वही इस घर को अपने तरीके से चलाएगी। उधर अनुज हिम्मत करके अनुपमा को उस दिन की घटना के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी मौके पर वनराज पहुंच जाता है और दोनों की बात को बीच में ही टोक देता है। वो बिना देर किए अनुपमा को अपने साथ ले जाता है। अब अनुपमा के मन में सवाल है कि वो क्या बात है जिसे बताने के लिए अनुज को हिम्मत करनी पड़ रही है। उधर तोशु किंजल के साथ दोबारा रिश्ता शुरू करने की बात पर जोर देता है, लेकिन किंजल मना कर देती है। तोशु गुस्सा करता है कि तुम चाहती क्या हो। किंजल कहती है कि वो सिर्फ शमर की शादी तक रुकी है, वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद फंक्शन में माया अनुज के नाम की मेहंदी लगाने की बात करती है। आने वाले एपिसोड में काव्या उल्टी करेगी और अनुपमा को बताएगी कि वो माँ बनने वाली है। तो फ्रेंड, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।